हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्नोमेट। और अगर आप अभी तक टेक्नोमेट को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अपने नीचे लाल बटन पर क्लिक करें और करके चैनल को सब्सक्राइब करें। कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे टेक वीडियोस ले आती रहूँगी। एंड्रॉयड थीम बदल रहे हैं, वे पिछले कुछ वर्षों से हो रहा है। दिन में वापस स्क्रोल सभी सामवेशिता था, एक विषय बदला गया तो होम स्क्रीन बदल गया, सेटिंग्स मेन्यू कीबोर्ड एक्सेट्रा देखा। इन दिनों सब कुछ मॉड्यूलर है, आप वेरियस कंपोनेंट्स को डाउनलोड करते हैं और वहां से विषय बनाते हैं। जब तक एंड्रॉयड सिस्टम वाइड थीमिंग प्राप्त नहीं करता, हम उम्मीद करते हैं कि थीम थोड़ी देर के लिए कैसे काम करेगी। यहां सबसे अच्छे एंड्रॉयड थीम्स हैं। इस 10 ऐप के डाउनलोडिंग लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, जहाँ से आप इन्हें ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, एक्शन लॉन्चर। एक्शन लॉन्चर थीमिंग शुरू करने के लिए एक बेहतरीन जगह है। यह कुछ बेसिक थीम एलिमेंट के साथ आता है, जो आपके वॉलपेपर पर कलर से लॉन्चर के रंगों को ऑटो कस्टमाइज करता है। इसके अतिरिक्त इसमें सब कुछ दिखने के लिए वेरियस टाइप्स के कस्टमाइजेशन ऑप्शंस हैं, जो आप चाहते हैं। इनमें एंड्रॉइड 7 ऐप शॉर्टकट, एक क्विक बार, स्मार्ट साइज वाले आइकन्स और गूगल पिक्सल लॉन्चर के एलिमेंट शामिल हैं। यह एक रॉक सॉलिड लॉन्चर ऐप भी है। आप इसके साथ सभी प्रकार के मजेदार एंड्रॉयड थीम ले सकते हैं और लिटिल एल्बो ग्रीस कर सकते हैं। बहुत सारे इंडिविजुअल कस्टमाइजेशन ऑप्शन के साथ ईव लॉन्चर एक और एक्सीलेंट लॉन्चर है। नंबर 2, फीसर एंड वॉचमेकर। एंड्रॉयड वेयर एक एक्सटेंसिव थीमिंग सिस्टम है। फीसर और वॉचमेकर शायद इसके शिखर हैं। दोनों में आप एंड्रॉयड वेयर डिवाइस के लिए कस्टम चेहरे बनाने की अनुमति दे सकते हैं। आप अन्य लोगों से हजारों घड़ी चेहरे पा सकते हैं। आप अपने डिजाइन अपलोड कर सकते हैं, उस नंबर पर भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। फेसर गियर S2 और S3 डिवाइसेस का भी सपोर्ट करता है। एंड्रॉयड वेयर वाले लोग इन जैसे थीमिंग ऐप का उपयोग कर अपने घड़ियों को थोड़ा सा वर्क के साथ अपने फोन के लुक में उतना ही शानदार लगने का वेरिएशन कर सकते हैं। नंबर 3, जीबोर्ड और स्विफ्ट की। जीबोर्ड और स्विफ्ट की दो सबसे पॉपुलर एंड्रॉयड कीबोर्ड्स हैं। वे दोनों भी थीमिंग के लिए एक्सीलेंट हैं। स्विफ्ट की सीजनल थीम्स और इस तरह की चीज़ों के साथ और अधिक यूनिक थीम्स है। जीबोर्ड की थीमिंग थोड़ा और बुनियादी है। हालांकि दोनों कीबोर्ड्स में प्रीसेट कंटेंट के टॉप पर कस्टम थीमिंग अवेलेबल है, इस फंक्शनैलिटी को के साथ अन्य कीबोर्ड भी हैं। वास्तविकता यूजर्स के साथ साथ थीमिंग के मामले में गबोर्ड स्विफ्ट की केवल 2 बेस्ट हैं। इसके अलावा वे दोनों इन ऐप परचेजेस या एड्स के साथ फ्री हैं। धन्यवाद गूगल और माइक्रोसॉफ्ट। नंबर 4, KWGT कस्टम विगेट एंड KLWP लाइव वॉलपेपर। KWGT और KLWP अभी 2 सबसे पॉपुलर थीमिंग ऐप्स हैं। KWGT एक कस्टम विगेट मेकर है। इनमें इच्छित विगेट बनाने के लिए एक टन और कई फीचर्स शामिल हैं। ऐप में गूगल फिट, मोस्ट सेंसर डाटा, वेदर, यहां तक कि कस्टम के लिए काउंटडाउन टाइमर्स जैसे स्टफ भी हैं। इनमें और भी फंक्शनैलिटी के लिए टास्क सपोर्ट भी है। KLWP एक लाइव वॉलपेपर मेकर है। इसमें एक WYSIWYG एडिटर है, जो आपको फिट होने के साथ बनाने देता है। यह KWGT के साथ कई फीचर्स को भी शेयर करता है। यह एंड्रॉयड थीम्स के लिए एक एक्सीलेंट ऐप है। नंबर 5, नेवार ऐप। नेवार ऐप आपके सॉफ्ट की बटन्स थीम्स हैं। इसका बेसिक वर्क क्रोमा कीबोर्ड की तरह बहुत काम करता है। यह आपके द्वारा उपयोग किए जा रहे ऐप के लिए रंग बदलता है। यदि आप चाहें तो इसे किसी भी रंग में बदल सकते हैं। इसमें वेरियस इमेजेस, बैटरी गेज और भी बहुत कुछ शामिल है। डेवलपर्स भविष्य के अपडेट के लिए कस्टम इमेज के अनुरोध को भी स्वीकार करते हैं। कुछ डाउनलोड साइट्स हैं, उदाहरण के लिए यह कुछ हवाई फोन के साथ काम नहीं करते। नंबर 6, नोवा लॉन्चर। नोवा लॉन्चर शायद यहाँ सबसे अच्छा लॉन्चर ऐप है। यह एंड्रॉयड थीम्स के लिए भी एक्सीलेंट है। इसमें 1 टन का कस्टमाइजेशन ऑप्शन है। हालांकि आप इसे बहुत अधिक दिख सकते हैं, इतना अधिक कि आप सोच नहीं सकते। यह आइकन पैक्स, सब ग्रिड पोजीशनिंग, कलर कंट्रोल, क्रोडेबल डॉक और बहुत कुछ का सपोर्ट करता है। गूगल प्ले में नोवा लॉन्चर थीम्स भी हैं, जो मिक्स में थोड़ा और जोड़ देती हैं। पेड वर्जन कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स को भी जोड़ता है। नंबर 7, टेपेट। कुछ रियलिटी में अच्छी चीज़ें वाले वॉलपेपर ऐप्स हैं टेपेट।
उन ऐप्स में एक नहीं है, इसके बजाय ऐप रैंडम लुक में अपनी कई पैटर्न में से एक साथ वॉलपेपर्स जनरेट करता है। यहाँ से चुनने के लिए लगभग 100 पैटर्न हैं और कलर्स 100% कस्टमाइजेबल हैं। सब कुछ आपको डिवाइस पे ही जनरेट हो जाएगा। इसके लिए यह ऑफलाइन भी काम करता है। इसमें एक सीखने की कर्व है जो आप अन्य ऐप्स में काम करते या कंट्रोल करते समय बिल्कुल आसानी से नहीं पा सकते हैं। नंबर 8, UCCW। UCCW सबसे पॉपुलर कस्टम विगेट ऐप में से एक है। इनमें एक WYSIWYG एडिटर है। इस तरह आप देख सकते हैं कि आपका विगेट कैसा दिखता है, आप जैसा उसे बनाना चाहते हैं क्या वो वैसा सच में दिख रहा है। आप कैलेंडर, इवेंट्स, वेदर, बैटरी, मिस कॉल, वेरियस नोटिफिकेशन, लोकेशन आदि के सहित सभी प्रकार की फंक्शनैलिटी जोड़ सकते हैं। इसमें टास्कर के लिए भी सपोर्ट है। आप गूगल प्ले में ऐप्स के रूप में एडिशनल स्किन पैक डाउनलोड भी कर सकते हैं। नंबर 9, वॉलपेपर्स HD। जो डिसेंट वॉलपेपर की तलाश में है, वे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। वॉलपेपर्स क्राफ्ट द्वारा वॉलपेपर्स HD जितना अच्छा उतना ही अच्छा ऐप है। ऐप आपकी स्क्रीन साइज को ऑटो डिटेक्ट करता है, वहाँ से यह आपको उस स्क्रीन साइज के लिए वॉलपेपर दिखाएगा जो कोई गेस नहीं कर सकता। इसमें 80,000 वॉलपेपर से अधिक हैं जो डेली जोड़े जाते हैं। इसमें आसान ब्राउजिंग के लिए सर्चिंग और कैटेगरीज के लिए एक टास्क सिस्टम भी है। नंबर 10, OEM थीमिंग। एंड्रॉयड में नेटिव थीमिंग नहीं है। यह एंड्रॉयड थीम्स को इतना कठिन बनाता है कि इसका हिस्सा आप सोच भी नहीं सकते। कई OEMs अपनी स्किन में थीमिंग करते हैं। सैमसंग, HTC, LG, MIUI और अन्य के पास थीमिंग इंजन्स हैं। उन्हें फाइंड करने के लिए आपको अपने सेटिंग मेन्यू में इंडिविजुअल OEM ऐप स्टोर में करना होगा। यह आपके आइकन, बैकग्राउंड, क्विक सेटिंग्स, सेटिंग्स मेन्यू और अन्य एलिमेंट्स का रंग और थीम बदल देगा। नॉर्मल थीमिंग मेथड्स नहीं मिल सकती, वे ओवरली डिवर्स भी नहीं हैं, पैसे खर्च होते हैं। हालांकि अगर आप स्टॉक एंड्रॉयड नहीं हैं तो शुरू करने के लिए ये एक बहुत अच्छी जगह है। बोनस, रूट थीमिंग आइडियाज। रूटेड किए गए डिवाइस में नॉन रूटेड डिवाइसेस की तुलना में बहुत अधिक थीमिंग ऑप्शन हैं। जो लोग वारंटी तोड़ने और बदमाश होने की हिम्मत करते हैं, उनमें कई ऑप्शन हैं जिनमें वेरियस UI ट्विक्स के लिए एक्सपोज फ्रेमवर्क, ओवरले थीम्स के लिए सबस्टैंटम और कुछ कस्टम रोम्स वेरियस थीमिंग एलिमेंट्स के लिए भी परमिशन देते हैं। यह आपके डिवाइस को रूट करने के लिए छोड़े गए कुछ अच्छे रीजंस में से एक है, क्योंकि यह आपको नॉर्मल नॉन रूटेड डिवाइसेस की तरह लॉक्ड होने की बजाय सिस्टम में डिगिंग देता है। हमारे पास सबस्टैंडम जुड़ा हुआ है, लेकिन रूटेड डिवाइस के लिए आपको वेरियस ऑप्शंस को खोजने के लिए कुछ डिगिंग करना पड़ेगा। अगर हम किसी भी महान एंड्रॉयड थीम को याद करते हैं तो कमेंट्स में हमें उनके बारे में बताएं। इसके अलावा यदि आप इस पर थोड़ा सा नया कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो आप और रेडिट पर ट्यूटोरियल की एक बड़ी संख्या पा सकते हैं।
इस वीडियो में कुछ सुंदर हार्डकोर थीमिंग थ्रेड्स हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक एंड शेयर करें। अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है तो अपने नीचे कमेंट करना ना भूलिए। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।